हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सूरज आर्या और आपका स्वागत है आपके बिहारी बाबू के अनदर ब्लॉग में। और मैं आज हूं, आप गेस कर सकते हैं कि मैं कहां पे हूं। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम जा रहे हैं पटना सिटी। पटना सिटी में मेरी बुआ का घर है। तो आज बड़े दिनों बाद मन किया कि क्यों ना मैं बुआ के घर उनसे मिल के आता हूँ, और साथ में उसके बगल में यानी पटना सिटी जो मेरा बुआ का घर है वहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक जल्ला वाला हनुमान जी का मंदिर है, जिसके बारे में बहुत ही मैंने सुन रखा है और काफ़ी दिन हो गया मैं वहाँ गया नहीं हूँ। तो सोचा क्यों ना आज मंगलवार का दिन है तो आज बजरंगबली के दर्शन भी हो जाएंगे और आपको भी ले चलेंगे अपने साथ उस जल्ला वाले हनुमान मंदिर की, आपको भी दर्शन कराएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं फ़िलहाल हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी पीछे एम्स एलिवेटेड रोड है और उसके ठीक नीचे बगल में ही ये जो हाईवे है ये भी आपको दीघा से खगौल की ओर ले जाता है। पर उसके जस्ट बगल में ये जो BSRDC के द्वारा बनाया हुआ एम्स एलिवेटेड रोड है उसकी खूबसूरती को मैं दिखाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ से इस आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ ताकि आप भी वो खूबसूरती को देख सकें कि कितना खूबसूरत हमारा पटना हो गया है। और इसकी खूबसूरती हर दिन, हर साल, हर महीने बढ़ती ही जाने वाली है। तो और भी ऐसे ही ब्लॉग्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस ब्लॉग का। Over the edge, feel like I'm floating through the air. तो दोस्तों, तो आज की स्टोरी कुछ अलग है। आज की स्टोरी थोड़ी सी रिचुअल, थोड़ी सी धार्मिक, थोड़ी सी आस्थापूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज दिन है मंगलवार। मंगलवार यानी कि बजरंगबली का दिन। तो आज से हमारे चैनल पे आपको थोड़ी सी अलग टाइप की ब्लॉग देखने को मिलेगी। जैसे कि आज मंगलवार है तो हम आज जा रहे हैं बजरंगबली के मंदिर। हम लोग जा रहे हैं उस मंदिर को आपको भी अपने साथ ले जाकर दिखाएंगे, आपको भी वहां के दर्शन कराएंगे। तो हमारे ब्लॉग में बने रहे आगे तक और पूरी वीडियो देखें, और आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। खैर, आपको स्टोरी बता दें कि आज का सीन कुछ ऐसा है कि आप मेरे दाहिने साइड में देख सकते हैं ये शिव मंदिर है, ये खाजपुरा का शिव मंदिर है। तो इस मंदिर को और ऐसे ही अलग अलग शिव मंदिर को जो कि हमारे पटना में हैं हम आपको नेक्स्ट मंडे को ले जाएंगे, क्योंकि सोमवार का दिन महाकाल का दिन होता है, ठीक है। और आज मंगलवार का दिन है तो आज हम आपको दिखाएंगे हनुमान मंदिर के दर्शन, आज के इस ब्लॉग में आपको हम कराएंगे अपने साथ। और अलग अलग दिन हम ट्राई करेंगे अलग अलग जगहों पे जाने का, जिस भी खास दिन जिस देवी देवता का पूजा होता है वहाँ के आपको दर्शन कराने का हमारे साथ। तो ऐसे ही ब्लॉग्स को देखने के लिए बिहारी बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारा सफ़र शुरू करते हैं आगे का। आ चुका हूं अपनी बुआ के घर, पटना सिटी में हूं मैं अभी, आप देख सकते हैं। और बाकी की बातें मैं घर पे सबसे मिल लेता हूं पहले, और उसके बाद बाकी की बातें आपसे छत पे करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने बुआ जी के घर के छत पे, और मेरे साथ है मेरा बच्चा पार्टी लोग। तो इसका नाम है जीत। हाय बोलो जीत। हाय। और अपना अपना नाम बताओ। आयुष। जीत। सूरज आर्या। और एक और है नन्ही सी पड़ी, ये रही, क्या नाम है आपका बेटा? पीहू। सबको बोलो कि वीडियो को मेरे लाइक कर दिएगा, बोलो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, सब लोग बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबको, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक भी। हाँ। और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट भी करना ना भूलिएगा। और हाँ। सभी दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्या करिएगा? शेयर कर दीजिएगा। ये तो दोस्तों सीन कुछ ऐसे है कि मैं आया हूँ अपने घर दानापुर से, पटना सिटी बुआ के घर, और मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ? हनुमान जी के मंदिर। कौन सा हनुमान जी का मंदिर जी? जल्ला वाले हनुमान जी का मंदिर। तो आपको भी हम वहाँ ले चलेंगे, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पड़ता है। और आपके ये लोकेशन का क्या नाम है बताओ? क्या
घर हम लोग का कहाँ पे है? गुजरी बाजार पटना सिटी। गुजरी बाजार 8 लाख 8। 8 लाख 8, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे 3 किलोमीटर दूर हनुमान जी के जल्ला वाले मंदिर। तो चलिए दोस्तों, बाकी बातें हम वहाँ पहुँच के करते हैं आपसे। तो हम अपनी बुआ के घर से निकल चुके हैं और गुरहट्टा और मच्छरहट्टा होते हुए हम अभी पहुँचे हैं यहाँ, जो तख्त श्री हरि मंदिर है। हमारी बाईं ओर चली जाती है और ये नाला पर रोड होते हुए चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है हनुमान मंदिर की तरफ। तो चलिए आप आगे की वीडियो टाइम लैप्स में देखिए और हम बाकी की बातें हनुमान मंदिर पहुँच के करते हैं आपसे। Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Oh! Flying up in a bar. Oh! Wish on a star. Oh! Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. दोस्तों, मेरी पूजा हो चुकी है पूरी और मैं हूं अभी जल्ला वाले हनुमान मंदिर के अंदर। और यहां की आपको डिटेल मैं यहां के पंडित जी से बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मंदिर का क्या है रहस्य और क्या है इसकी पूरी जानकारी। तो आइए अब मिलते हैं पंडित जी से। तो ये हमारे पंडित जी हैं, हम उनको सभी दर्शकों को नमस्ते कर दीजिए एक बार। नमस्ते। तो पंडित जी, हम लोग को जानना था कि ये जो जल्ला वाला हनुमान मंदिर है, इसके बारे में बड़ी सुनी और यहाँ पे हम लोग को आने का इच्छा हुआ, तो इस मंदिर का क्या रहस्य और क्या जानकारी है, आप थोड़ा हम लोग को बताने का कष्ट करें। ये मंदिर 400 वर्ष पुरानी मंदिर 400 वर्ष पुरानी जी। जी, और एक बाबा गुलाल दास नाम के एक संत आए थे। अच्छा। यहीं रहते थे, उन्हें स्वप्न हुआ कि यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए। तो संत जी अपना भगवान में लीन हो गए। लीन हो गए तो जब उनकी पूजा समाप्त हो गई तो भगवान का मूर्ति आकृति अपने आप उस दीवार में अंकित हो गया। अच्छा। चित्र जी, उसी चित्र अंकित जो हवन किए थे ना, वो धूप राख चमेली का तेल उसी पर लेप किए। अच्छा। चित्र आ गए, सिंदूर लगाए, धीरे 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 हनुमान जी का वाकृति है ये था, उसी पर लेप लगाए। अच्छा। ये जल्ला वाला जल्ला इधर तालाब है, पीछे तालाब है, इसलिए इसलिए जल्ला वाले हनुमान जी नाम पर नामकरण जल्ला जी के नाम से। और कुछ लोगों से सुने कि यहाँ पे मंदिर मतलब अचानक से पूरा जंगल था अगल बगल, चारों जंगल तो है, तो 400 वर्ष की बात बता वो डर से आता था जंगल कोई नहीं, सब रोड पर चारों तरफ पकड़ के जंगल फंगल था। अच्छा। क्योंकि धीरे धीरे विकास हुआ, जमीन विकास, लोग मकान बनाते थे। फिर इस मंदिर का जो, क्योंकि ये नवनिर्माण लग रहा है कि इन मंदिर का किया गया है। हाँ, तो किसके द्वारा किया? 2002 में हाथ लगा था। अच्छा, 2002 में इसका कार्य, 2015 में बनके तैयार हुआ। अच्छा। ये मंदिर 2015 में, बहुत जागता हनुमान जी हैं, सदा भक्ति से जो भी आदमी हमारे हनुमान जी का ध्यान लगाता है, पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। काफ़ी लोगों को देखे कि यहाँ नीचे हनुमान मंदिर का जब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं बैठ के। हाँ, तो पाठ इसलिए करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, पाठ करने से मन में शांति मिलती जी। मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को शांति मिलता है, क्योंकि आज के भाग दौड़ के दिन में हर कोई परेशानी चल रहा है। परेशानी के कारण कि मन एकाग्रचित नहीं है। मन एकाग्रचित होगा, मन को भगवान के शरण में लगाइए, तब न मन एकाग्रचित होगा। अब आप उससे दूरी भाग रहे तो मन तो चंचल है, तरह तरह की आवश्यकताएं में उलझता चला जा रहा, उलझता चला, आप उलझते चले जाए तो भगवान के दर्शन मन में तो शांति है नहीं, तो परेशानी हो गई।
चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अपनी जानकारी हम लोग के साथ शेयर किया। हमारा नाम मनोज त्रिवेदी है। मनोज त्रिवेदी, त्रिवेदी जी, प्रणाम पंडित जी। हमने पंडित जी से बात की, आपको सारी सब कुछ दिखा दिया, सारी डिटेल आपको बता दी। तो अब हो चुका है शाम और हमें निकलना है घर की ओर। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, और बाकी की डिटेल, बाकी की बातें अगले ब्लॉग में। इसके लिए मिलते हैं आपसे रटपतले। जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और प्रभु का गुण गाते रहिए। तो हम लोग हैं फिलहाल अभी जलावाला हनुमान मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आप बैठिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग ने पूजा की। अब जैसे ही यहाँ मंदिर के अंदर आते हैं तो गेट के ठीक सामने आपको गणेश जी की मूर्ति दिखेगी, और उसके बाद आपको दाहिने तरफ हनुमान जी का प्रमुख जो मंदिर है वो, और ठीक उसके सामने महादेव जी का मंदिर है। और जब आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं 2 मंजिल ऊपर, तो आपको मिलती है श्री राम जी की मूर्ति है, लक्ष्मण सीता जी के साथ बैठे हुए हैं, और उसके ठीक सामने माता रानी का भी मूर्ति है। तो यही कुछ है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा तरीक़े से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और बस यही सब डिटेल थी आपके साथ बताने के लिए। तो मैं और आपका अमन मिश्रा जी, पंडित जी, पंडित जी जिसको कैमरा आज ले लिया है, तो बजरंग बली की कृपा हुई है तो पंडित जी का कैमरा ने ले लिया है। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे घर, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय श्री राम। जय श्री राम।